नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनसत्ता.com और मैं हूं आपके साथ नीरज सिंह। पिछले 25 सालों से वामपंथियों के गढ़ रहे त्रिपुरा में भाजपा की करिश्माई जीत के बाद अब लोगों की नजरें इस बात पर हैं कि भाजपा की ओर से किसे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाती है। जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें 48 वर्षीय विप्लब कुमार देब का नाम सबसे आगे है। विप्लब कुमार देब फिलहाल त्रिपुरा में भाजपा अध्यक्ष के पद पर हैं और उनके नेतृत्व में भाजपा ने त्रिपुरा से मानिक सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया है। अगर विप्लब कुमार देब मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह उत्तर पूर्वी राज्यों में भाजपा के चौथे मुख्यमंत्री होंगे। विप्लब आरएसएस से जुड़े रहे हैं। विप्लब कह भी चुके हैं कि वह पार्टी द्वारा दी गई कोई भी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान विप्लब कुमार देब ने कहा कि मैं कोई भी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हूं, मैं किसी भी जिम्मेदारी से नहीं भागूंगा, लेकिन पार्टी नेतृत्व के आखिरी निर्णय लेगा। देब ने दिल्ली में जिम ट्रेनर के रूप में भी काम किया है। देव तब दिल्ली में ही थे जब त्रिपुरा में भाजपा के प्रभारी सुनील देवघर राज्य के लिए किसी ऐसे चेहरे की तलाश में थे जो 3 सालों में राज्य में पार्टी को खड़ा कर सके। विप्लब एक दयालु राजनीतिज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान विप्लब गरीब लोगों से जिस प्यार और अपनेपन से मिलते हैं उसकी काफी चर्चा होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।